लोगों को अवेयर करेंगे कि वो खुद घर में कैसे हाउस होल्ड टेस्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड मतलब घरेलू नुस्खे क्या है भाई? ये आ जाओ इधर, आ जाओ, बताइए। सुनो सुनो, तभी पता लगेगा। ये फूड टेस्टिंग लैब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह जाके टेस्टिंग करते हैं केंद्र सरकार, और हम बताते हैं कि घर में आप कैसे टेस्ट कर सकते हो उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जैसे नमक है, नमक का पता होगा सबको, नमक में आयोडीन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बताओ पहले। होना चाहिए, अगर ना हो तो क्या हो जाता है? गैंगा रोग, गैंगा रोग हो जाता है। पर आज की सदी में आप देख लो, बहुत कम है गैंगा रोग देखने को मिलता है, ठीक है जी। इसलिए आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। दूसरी क्या बीमारी है? थायराइड, थायराइड है। तो आयोडीन आप घर में कैसे चेक करोगे? आयोडीन आप घर में कैसे चेक करोगे? एक आलू ले लोगे कटा हुआ, ठीक है, आलू ले लोगे कटा हुआ, एक नींबू ले लोगे कटा हुआ, और जोन सा नमक आपने टेस्ट करना है कि उसमें आयोडीन प्रेजेंट है अग्नि है, उसको लगा दोगे आलू पे, आलू पर लगा दोगे, और नींबू को छिड़कना है बस। उससे क्या होएगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। एक सेकंड भाई, उससे क्या होएगा, नीला रंग हो जाएगा। और नीला रंग हो गया तो क्या मतलब है, आयोडीन प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। और नहीं हुआ तो नहीं। इसको नमक को आप घर में ऐसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। चलो और बताता हूँ, चल वो दे दे को। अच्छा एक चीज और, मिठाइयों पे चांदी वर्क होता है, चांदी वर्क होता है कि नहीं होता भाई? जवाब दे दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा। होता है ना, तो चांदी वर्क को आप प्योरिटी कैसे टेस्ट करोगे उसकी, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है भाई। क्या करना है, प्योरिटी मतलब शुद्धता कैसे टेस्ट करोगे वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये दो तरह के चांदी वर्क हैं जो देखो दिखने में बिल्कुल सेम है, सेम है भाई। एक इसमें अशुद्ध है, एक शुद्ध है। ये शुद्ध वाला, अशुद्ध वाला। हाँ भाई, देखने से बता सकते हो, बता सकते हो देखने से? नहीं बता सकते ना। मैं बताता हूँ कैसे टेस्ट करें। ये शुद्ध चांदी है भाई, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने अपने हाथों पे रब करना है ऐसे। देख भाई, कुछ भी नहीं बचा, उड़की। ये चांदी के आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये शुद्ध है। और आजकल इसमें क्या आ रही है, एल्यूमिनियम की मिलावट। अब मैं शुद्ध वाली टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये हाथ में रहेगी, जितना मर्जी रब कर ले इसको। इसका क्या मतलब है, अशुद्ध है। क्या है इसमें भाई, मजा नहीं आ रहा है ऐसे बोल लोगे नहीं तो मेरे साथ। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। हाँ, तो पता लग गया कैसे टेस्ट करते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, भाई ये काली मिर्च है, दिखने में सेम है, ठीक है, और इसमें एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। अभी रुको,
भाई, इसको कैसे पहचान करोगे आप? इसको कैसे पहचान करोगे? इसको स्माइल करके पहचान करोगे? पहले बुक करना पड़ेगा। देख अच्छा सुन के देखो, अब जाना आज जाना ना मिनरल ऑयल की कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? मिनरल ऑयल की कोटिंग करते हैं जिससे उसको फंगस नहीं लगती। ऐसे है ना भैया, फंगस नहीं लगती तो आप जाते हो यार दुकानदार की शॉप पे, हाँ भैया हमेशा जब भी काली मिर्च लोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? स्मेल करोगे। ये स्मेल है, चाहे पोलोथीन में बंद हो चाहे हनी ऑयल की, अगर उसके ऊपर स्प्रे हो रखी है ना तो आपको ये स्मेल आएगी। आप इसको थोड़ा पहचान कर दो, ये शुद्ध वाली है, एग्रीएबल स्मेल होती है इसकी, शुद्ध की। ठीक है, ये भाई स्मेल करो। आ जाओ 10 मिनट के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं ये? तो मिक्स रहे तो मिक्स क्यों करेगा यार, कोई पागल थोड़ी है मिक्स करेगा अपना।